खुद मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे, पहले ये बताएं कि उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे, सरकार आने के बाद उन्होंने खुद के कितने केस वापस लिए हैं, उन्होंने फर्जी केस लगाया बिल्कुल। और वो बोल रहे थे कि जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी दूरबीन लगाकर देख रहे थे तो टैनी को देखा नहीं था, टैनी के ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज है, टैनी के बेटे पे कौन सा मुकदमा दर्ज है, तो खुद गुंडे सरकार में बैठे हैं और दूसरों को गुंडा बता रहे हैं। ये सरकारी गुंडों की सरकार है। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे बड़ा किसान मुद्दा है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और किसान के साथ साथ जवान दोनों खिलाफ हैं सरकार के। सरकार लाएगी तभी तो देंगे, इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ हर साल देंगे, कितने दिए? अभी टीईटी की 20 लाख भर्ती हुई थी, कितने लाठी डंडे खाए सारे लोगों को लखनऊ में दिया, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सारे पर्चे लिख कर आ रहे हैं, तो भर्ती कर कर रहे हैं। हम लोग आएंगे तो करेंगे, सत्ता में तो आने दीजिए फिर दिखाएंगे कैसे करते हैं। खुली राजनीति है। अयोध्या के अंदर उनके मेयर जमीन खा गए बेच के, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच मारी है उन लोगों ने, अब वो कह रहे राजनीति नहीं है। हर जगह से उनका धर्म भी राजनीति है, उनका कोई धर्म थोड़ा है, उनका राजनीति धर्म बना रख के बैठे हुए हैं वो लोग। पर आपके सहयोगियों पे टैग लगा हुआ गुंडों की पार्टी, देखिए कोई क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आम जनता तय करेगी 2022 में मुद्दे क्या है। मुद्दा होगा जनता का विकास, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों की सिंचाई, बिजली के बिल माफ, हम इन मुद्दों पे लड़ेंगे। भाजपा क्या कह रही है, दूसरी पार्टी क्या कह रही है, कुछ नहीं, आम जनता हमारे साथ है। आज आपकी ऐतिहासिक रैली ने दिखा दिया है कि अलीगढ़ से यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और अलीगढ़ की 7 सीटें हम जीतेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय लोकदल युवा का, राजस्थान का प्रभारी हूँ। सर क्या लग रहा है इस बार कैसे रहेगा चुनाव का? देखिए चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, गठबंधन की सरकार आने वाली है और भाजपा सत्ता से जाने वाली है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आई थी सत्ता में 2017 में, महंगाई को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर, उसने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना जवान सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित हैं, इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन आपके जो किसान नेता लग नहीं रहा सहयोग कर रहे हैं आप? पूरा सहयोग मिल रहा है किसान नेता के साथ साथ, आम जनता है जो गांव-गांव की जनता, हम तो गांव में जा रहे हैं, नेता भी साथ है, जनता भी साथ है, पूरा का पूरा प्रदेश हमारे साथ है। कहां साथ है? आपने उनका फोटो लगा लिया, उन्हें आपत्ति? देखिए फोटो लगाने, देखिए क्या है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है ना, उनका अपना अलग संगठन चलाते हैं वो, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थोड़ा है। समर्थन, देखिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मेरा इस सरकार के खिलाफ विरोध है, वो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, हम अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, हम भी किसानों की बात कर रहे हैं, हम भी किसानों की सरकार लाना चाहते हैं, इस सबका एजेंडा क्या है, भाजपा को हटाना, कांग्रेस भी तो ये हटाने नहीं, देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां है, कांग्रेस भी तो हटाना चाहते हैं, वो कहां है संगठन है कहीं, अब तो ओबीसी भी आ रहे हैं। ओबीसी देखिए, ओबीसी भाजपा की बी टीम है, वो चुपचाप उन्हें चुनाव जिताने का काम करती है और भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर आप लोगों को तो बड़ा विरोध रहता था समाजवादी पार्टी, कैसे? देखिए कभी कभार क्या होता है कि मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ती है, जब दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश को और देश को लूटने में लगी पड़ी है केंद्र सरकार, आप राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बेचने में लगे पड़े हो, सरकारी संस्थानों को बेचने में लगे पड़े हो, GDP कहाँ चली गई है, हमारे सैनिक डेली शहीद हो रहे हैं, तो जब मुद्दों की बात होती है तो कई बार ऐसे गठबंधन बनाने पड़ते हैं जब साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ता है। GDP को बढ़ाने के लिए रोड मैप, बिल्कुल हमारे पास रोड मैप है, हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कैसे रोजगार? जब सरकार आएगी तभी तो रोजगार देंगे, आप बताइए कोई विजन? बिल्कुल सरकार लाने दीजिए, हम बताएंगे पहले सत्ता में, बिल्कुल सत्ता में आएगा, जब इंसान सत्ता में आता तभी तो कोई कर पाता है, अभी तो हम विपक्ष में है, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, सरकार है, सरकार ने 4.5 साल क्या किया? निजीकरण करके हम रोजगार, वाह 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 वाह, ये अच्छा है, देश के संस्थान को बेच दो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सारा देश बेच दिया, कल SBI का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, मोदी जी ने कहा था मैंने रेलवे स्टेशन पे चाय बेची है, और मैंने चाय बेची है तो मैं रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन नहीं दूंगा, वीडियो है यूट्यूब पे। तो मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, कौन कर रहा है मंदिर का विरोध, सबने स्वागत किया, कौन कर रहा है मंदिर का विरोध, भगवान राम हर किसी के, भगवान राम किसी बीजेपी के कॉपीराइट थोड़ा है, नहीं 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 नहीं, भगवान राम हर किसी के हैं, भगवान राम बीजेपी के नहीं है, भगवान राम ने भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमें राम का कॉपीराइट ना बताया, भगवान राम किसके नहीं है, भगवान राम इनके भी है, भगवान राम आपके भी है, इनके भी सबके भगवान राम, भगवान राम से आपत्ति किसे है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए आपत्ति है, राम के नाम पर चंदा खाने वालों से आपत्ति है, राम से किसी को आपत्ति, राम सबके हैं, राम हमारे भी है, राम आपके, राम सबके, तो हम लोग साथ हैं। जैन जी और अखिलेश जी का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार को उखाड़ फेंकने की है जो जनता को लूटने में लगी पड़ी है। नहीं नहीं, जयंत जी बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, हम लोग मिलकर योगी बाबा का मुकाबला करने में लगे, आपस में हमारी कोई फाइट नहीं है, हमारी बाबा से लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की जनता को जो प्रताड़ित कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे लड़ाई है और उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, 2022 में सत्ता जाना बिल्कुल तय है भाजपा। हां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यूपी प्लस योगी, अभी तो वो कह रहे हैं कि 400 सीटें ले आएंगे, चुनाव तो होने दीजिए, बंगाल में भी ये बोला था, अभी बंगाल में चुनाव हुआ था ना, देखा था ना, कहां गए सब, चले गए दिल्ली में चुनाव हुआ,
कहाँ गए, चले गए ना। जनता बार बार पागल नहीं बनती है, एक बार उन्होंने पागल बना लिया, जनता भटक गई। सारे युवा खड़े हैं, रोजगार के नाम पे सबने वोट दिया था, भारत माता के नाम पे सबने वोट दिया था। किसानों की स्थिति क्या है, हमारे जवानों की स्थिति क्या है, हमारी माताओं की स्थिति क्या है, हमारे भाइयों की स्थिति क्या है, इन पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। भाजपा भटकाने की हिंदू मुस्लिम नहीं करे, हिंदू मुस्लिम की बात ना करे। हम लोग मुद्दे की बात करने आए, हम राजनीति करें मुद्दों पे। आस्था बचा रहे हैं, आस्था, हमसे बड़े राम भक्त है, हमसे बड़े आस्तिक हो गए। ये तो नास्तिक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। इनके जिन पार्टी से गठबंधन था, निषाद राज, वो कह रहे थे भगवान राम तो उनके पिता के पिता दशरथ का पता ही बदल दिया उन लोगों ने, तो ये लोग तो नास्तिक हैं। जो इस देश का, उत्तर प्रदेश का जो संविधान है, जो देश का संविधान है, और जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो सब बहुत शांतिप्रिय जनता है। इस देश का और उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की कमाई। तो बीजेपी के साथ अब तुम्हारे साथ भी है? नहीं, देखिए कोई हमारे साथ, आम जनता है, हम तो आम जनता के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ देखिए, कभी 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 कोई लोग वहाँ होते हैं, कभी लोग कहाँ होते हैं, लेकिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जो हमारा समर्थन करेगा, हमारी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, उनका स्वागत कर रहे हैं हम लोग, उनका स्वागत कर रहे हैं जो हमारे साथ मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या विचारधारा सर? बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग युवाओं की पढ़ाई, मैं बच नहीं बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई और किसानों की सिंचाई, हम लोग इन लोगों पर, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, हम चाहते भाईचारा कायम रहे, उत्तर प्रदेश का विकास हो। स्वर्गीय नेताजी ने बहुत बड़ा काम करा किसानों के लिए, लेकिन किसानों ने उन्हें ठुकरा दिया। देखिए चुनाव ऐसी बात नहीं है, देश में अटल जी भी चुनाव हारे, देश में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आप चुनाव से किसी नेता की शख्सियत को नहीं आंक सकते। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह की जो विरासत है, हम उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है। अभी देखिए, अभी मीडिया कुछ दिन और देखेगा, जब परिणाम आएगा तो सबको पता लग जाएगा। जो अभी 350-400 सीटों का वादा कर रहे सीएम बनेंगे या फिर ऐसे ही। देखिए हमारा 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 पहला उद्देश्य भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, जयंत जी जब सत्ता में आएगा तो सब कुछ होगा। पहला उद्देश्य क्या है, जनता की सेवा करना। हम लोग सेवा कर। आप हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रहा, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूँ। जनता के लिए चुनाव हो रहा है ना, नेताओं के लिए चुनाव नहीं हो रहा। हम नहीं, नहीं, हम सबका विकास की बात करेंगे। नहीं, हम सबसे बात कर रहे हैं, ये हम लोग सबका वोट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई है, सिख भी भाई है, पारसी भाई, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको हिस्सेदारी मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। सत्ता ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसमें 3% वाला डिप्टी सीएम नहीं, इसमें सब 20% वाला मुसलमान, 20 वाला बनेगा या 3 वाला बनेगा या 40 वाला बनेगा, उत्तर प्रदेश की जनता पहले तय करेगी। सत्ता हटाना जनता नहीं, जनता हटाएगी ना, सत्ता सत्ता जनता हटाएगी, सत्ता जनता हटाएगी, उसके बाद जो आपस में 400+ जा रहे हैं, नहीं नहीं, जब तक परिणाम नहीं आएगा उससे पहले आप हटा दें। नहीं, हम जनता के रिजल्ट पर विश्वास करते हैं। जनता का रिजल्ट आ जाए, किनको देखिए, अभी वो मामला, अभी मामला विचारधारा है न्यायालय के अंदर, तो जब वो न्यायालय की उसमें बोलना मेरा उचित नहीं है। आजम खान साहब को भी मोहन भागवत से जाके मिलना चाहिए। देखिए वो, देखिए मुलायम सिंह जी क्या कर रहे हैं, उस पर मैं कहने का हकदार नहीं। मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात करूंगा। नहीं, वो राष्ट्रीय लोग, मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात करूंगा, मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात करूंगा। और वो मैं आपको बता दूंगा, एक निजी कार्यक्रम में गए थे, एक शादी कार्यक्रम में, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, कोई फोटो खींच लेता है, इसका मतलब नहीं उस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने भी गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं, मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता है, वो सब समझदार है, वो समाजवादी पार्टी के और सबके नेता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे साथ है। हम गठबंधन मजबूती से आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है। इतने समझदार है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि तुम देखिए उन्होंने क्या बोला, मुलायम सिंह यादव बताएंगे। हमारा काम है जनता के हितों की लड़ाई लड़ना। हम जनता के हितों के लिए आज रैली करने बैठे थे कि जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कौन नेता क्या कर रहा है, भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, हम जनता का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता मामले में वो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है, रेप, और कुलदीप सिंह सेंगर क्या कर रहे थे, फिर बच्चे हैं वो, कुलदीप सिंह सेंगर बच्चे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर बच्चे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उनका उन्होंने बयान दिया तो उनको नुकसान उठाना पड़ा, सत्ता चली गई 2017 में, भाजपा आई, महिलाओं का सम्मान होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, हाथरस में कांड हुआ कौन था, तो सत्ता सवाल कीजिए ना आप, सत्ता कहाँ चली गई। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है कहता है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है, कस्टोडियल डेट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये सब मुद्दे है ना, मैं मुद्दे पे लेके जा रहे हैं, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ हम महिलाओं का सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम सबको सम्मान देंगे, अभी तो सबसे इनसे सम्मान बचाना है जो बैठे हैं। गलतियां हो जाती है बच्चों से, आप दो इतना पुराना बयान जो उनको तो दंड मिला ना, चल गए 17 में सत्ता खोई ने सपा ने, उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा, जनता हमारे साथ है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लोकदल सभा गठबंधन की सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता पिछली बार गुमराह हो गई थी और गठबंधन किसी ना किसी के साथ हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी कहने वाले नरेंद्र मोदी उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं, चौटाला परिवार को हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचारी कहने वाले उन्हीं के सरकार बनाते हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो किसी को भी कोई भी टैग देते हैं। नहीं, कोई गठबंधन नहीं हमारा, ओबीसी से हमारा दिक्कत है क्यों करेंगे,
क्यों करेंगे? मुस्लिम काट रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप अभी कौन कह रहे हैं? हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, वो अच्छी, वो भाजपा का वोट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई वो जनता मुस्लिमों का नुकसान करने के लिए खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कह सकते हैं कल को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मोदी है, वो तो ये भी कह देंगे तो मुसलमान मान जाएगा क्या? अगर वो कल को कह देंगे नहीं मोदी है, उनके लड़ने से बिहार में किसकी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बनने से किसकी सरकार बनी, सब उत्तर प्रदेश की जनता सब जानता है, मुस्लिम भाई हमारे बहुत समझदार है, वो सबको दिखा देंगे, अंडा आएगा, अंडा उत्तर प्रदेश से अंडा लेके भेजेगी। बिल्कुल बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी 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 बीजेपी की बी टीम है, और उत्तर प्रदेश की जनता भाई साहब बहुत समझदार है, वो विचारों और विकास पर लेगी, हिंदू मुस्लिम पे बटने वाली नहीं है, हिंदू भी साथ है, मुसलमान भी साथ है, सिख भी साथ है और ईसाई भी साथ है, सब लोग साथ है उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन के साथ।